अस्सलामुअलैकुम। ये मेरी पहली वीडियो अपने वॉइस ओवर के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी ऐप्स हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन की लीकिंग का सबब बनते हैं और हम किस तरह से इससे बच सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं, उसको एक्सेस देते हैं कॉन्टैक्ट्स की, कैमरा की, और इस तरह से हम अपनी चीज़ों की एक्सेस हम खुद ही प्रोवाइड करते हैं, अलाउ कर देते हैं उस ऐप को यूज़ करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम कोई भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो डाटा होता है वो हमारा एक ऐसी ऐप जिसको हम अपने कनेक्टिविटी का ज़रिया समझते हैं उसके बैकअप में सेफ हो जाता है, जो कि नुकसानदेह है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि किस तरह से वो सेव होता है और किस तरह से वो नुकसान का बायस बन सकता है और हम किस तरह उससे बच सकते हैं। हम एक ऐप यूज़ करते हैं फेसबुक, हमारा सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक पोर्शन है फेसबुक, जिसको हम यूज़ करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले लोगों के साथ कनेक्टिविटी के लिए। ये ऐप जब हम यूज़ करते हैं तब भी नुकसानदेह है, और जब हम ये ऐप यूज़ ना भी कर रहे हों, इसके अलावा कोई और ऐप यूज़ कर रहे हों, तब भी ये फेसबुक की ऐप हमारे लिए नुकसानदेह होती है, जो कि हमारी प्राइवेसी को लीक करने का सबब बन सकती है। वो किस तरह से, आपकी हैरानी को अभी दूर कर देता हूँ। अभी आप अपने मेन स्क्रीन पे सामने एक फेसबुक का मेन्यू का पेज देख रहे होंगे। इस मेन्यू के पेज में सबसे एंड पे आपको सेटिंग्स और प्राइवेसी का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पोर्शन पूरा खुल जाएगा। आप नंबर वन ऑप्शन जो है सेटिंग्स का, इस पे जाएंगे, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो कंप्लीट फाइल खुल जाएगी, उसकी सेटिंग्स के सारे पोर्शंस खुल जाएंगे। तो आपने पहले देख लेना है, अभी ऊपर आपकी प्रोफाइल सेटिंग है, फिर आपके अकाउंट की सेटिंग है। अकाउंट की सेटिंग के नीचे जब आप जाएंगे सिक्योरिटी की सेटिंग आएगी, ठीक है। अब जो सिक्योरिटी की सेटिंग है उसमें आपने देखना है चौथे नंबर पे, पहला है सिक्योरिटी लॉगिन, फिर लोकेशंस, ऐप्स, वेबसाइट्स, फिर है ऑफ फेसबुक एक्टिविटीज़। ये फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑफ फेसबुक एक्टिविटीज़ का सेक्शन खुल जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मेरे पास ये ऑफ फेसबुक एक्टिविटी का जो ऑप्शंस है वो मैंने टर्न ऑफ किया हुआ है, तो आपके पास ये टर्न ऑन होगा और आप इसको देखेंगे क्लियरली कि जहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है यू हैव नो अवेलेबल एक्टिविटी टू शो एट दिस टाइम, तो आपके पास वो सारे आइकॉन्स मौजूद होंगे इसके ऊपर जो आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। आप फेसबुक के अलावा आप यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, इंस्टा, टिकटॉक, लाइकी और भी बहुत सी ऐप्स, तो वो सारे आइकन यहाँ पे होंगे। अब आप देखें कि नीचे तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैनेजर, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, क्लियर एक्टिविटी, क्लियर हिस्ट्री और मोर ऑप्शंस। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने हिस्ट्री को क्लियर कर देना है कि आपकी जो भी हिस्ट्री फेसबुक ने अपने पास सेव की हुई है वो आपकी वहाँ से क्लियर हो जाए। क्लियर करने के बाद आपने फिर इसकी जो ऑप्शंस हैं इसको आपने ऑफ़ करने हैं। पहले मैं आपको डेमो के लिए क्लियर करके दिखाऊंगा। आप देखें मैंने हिस्ट्री क्लियर की है और अभी आपके पास एक नोटिफिकेशन शो होगा, वो आपके पास देखें नीचे शो हो रहा है कि यू हैव योर एक्टिविटी हैज़ बीन क्लियर्ड, मेरे पास ये एक्टिविटी क्लियर हो गई है। आप भी इसी तरह से क्लियर करें लाजमी। इसके बाद आपने मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने जाना है मैनेज योर फ्यूचर एक्टिविटी, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और पेज खुलेगा, आपने नीचे नीचे मैनेज योर एक्टिविटी फ्यूचर एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आके आपने इसको ऑफ़ कर देना है। स्क्रीन पे साफ नज़र आ रहा है कि मेरे पास ये ऑफ़ है, तो आपने भी ऑफ़ कर देना है। अब जब इसको ऑफ़ कर देंगे तो आपकी फिर कोई भी एक्टिविटी फेसबुक इसको सेव नहीं कर सकेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अगर आपके पास कोई बेहतर सजेशंस हैं तो आप सजेशंस दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को अगर आप किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर कर दें। शुक्रिया।